बहुत मज़ा आया, स्पेशली क्योंकि शुभिका के साथ. फॉर मी इट्स वेरी स्पेशल व्हेन आई वॉक फॉर शुभिका, या जब भी मैं उनके कपड़े पहनती हूँ, आई फील मैं उनके लिए हमेशा, आई बेटर ऑलवेज बी योर मी एज, बट आई जेन्युइनली फील दैट्स अ स्पेशल बॉन्ड हियर, क्योंकि जो भी वो बनाती है ऐसा लगता है वो बस मेरे लिए ही बनाया गया है. इट्स वेरी यूनिक, और ऐसे ऐसे तो मैंने कभी कभी किसी इंडियन आउटफिट पे नहीं देखा जिस पे रिबन्स भी है, रिबन्स भी है, मेटालिक्स भी है. हाँ, कैमरास के लिए मैं एक बार जूम कर लेती हूँ, बट ट्रूली ट्रूली अ गिफ्टेड डिज़ाइनर, वेरी टैलेंटेड. अच्छा है ना, बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट कर रही है ज्वेलरी. इट्स बाय जयपुर जेम्स. सो या आई थिंक ज्वेलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू गो विथ द क्लोथ एंड टू कॉम्प्लीमेंट. और पूरा स्टाइलिंग का क्रेडिट मैं शुभिका को दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही ये सब सिलेक्ट किया है. तो क्या करो, वो बस आ जाते हैं गाने सुनते ही मेरे उंगलियाँ. अच्छा, आपने पहले से प्लान किया था कि ऐसा कुछ करना? काफ़ी स्पॉन्टेनियस था, थैंक गॉड, वही तक था, उससे ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं. वो लहंगा के वजह से था, पर आई थिंक, पर इट्स नाइस ना, क्यों नहीं, जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन, दैट्स व्हाट वी डिड. यू नो, ऑनेस्टली आई फील द कलेक्शन एंड स्पेशली दिस थीम ऑफ शुभिकाज, रिबन अराउंड अ बॉम, it completely goes with my personality, because I feel I'm really badass inside, but somehow I always look like this pretty girl outside. So that's the thing, like she said, we're all flawed in, you know, in our own ways, and the beauty of it is owning up to it, and you know, being confident in your own skin, so you can be a bit of both. And we all are, you know, we all have multiple personalities and different sides to us. So yeah, I feel like a ribbon around a bomb, especially today. कितना different होता है आपके लिए? बिल्कुल different नहीं होता है, बस language एक चीज़ है जो जो अलग है, उसके अलावा सब सेम है. काम करने का तरीका से लेके acting, emotions, these are universal things. So naturally it's the same, and it's really amazing कि आज we don't look at it like south, north, Punjabi. You know, we are one big country with mixed cultures and languages, and all our films are doing so well. So I just think as Indians we should be really proud and celebrate all these wonderful films. And it's great that you know we have such a wide audience and we can bring these films to so many people. Okay, great. Thank you. मुझे तो बहुत अच्छा लगा टू वॉक फॉर आकृति, यू नो उनका जो लेबल है वो फ्लर्टिशियस है, और मैंने बिल्कुल वही किया स्टेज पर. आई वाज फ्लर्टिंग विद द कैमरा, आई वाज फ्लर्टिंग विद द क्राउड, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हर लेबल एंड हर कलेक्शन इज कि बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े हैं, मतलब कुछ नहीं टैकिंग नहीं है, कुछ पिनिंग नहीं है, इट्स जस्ट वेरी कंफर्टेबल. और मेरे लिए अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, तो आई कैन वॉक द रैंप वेरी नाइस. जब मुझे पता चलेगा आप लोगों को भी पता चल जाएगा. आई हैव नो आइडिया राइट नाउ बिकॉज आई थिंक इट्स ऑन होल्ड, बट सून इट शुड रिलीज होपफुली. ओके, ग्रेट, थैंक्स. बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमें इनसे भी नहीं मिला. इन्होंने भी कुछ नहीं कहा, बस कहा कि दे जस्ट हैव दिस ब्लाइंड कॉन्फिडेंस इन अस. एक्चुअली दे वर जस्ट लाइक, गाइस जस्ट गो एंड डू इट, एंड वी वर लाइक ओके लेट्स डू इट. नो, नॉट एट ऑल. मैं शायद आप लोगों को सुनाई नहीं दिया, तो मैं दोहराना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि बियॉन्ड द क्लाउड्स 20 अप्रैल को आ रही है. 20 अप्रैल, सॉरी. आप दूसरा पार्ट क्या? देखिए, ये ऐसा अवसर नहीं है जहां हम इसकी बात करें. वो मेरे बड़े भाई हैं, तो जाहिर है मैं तो अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं कर सकता, और वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं. तो आई थिंक सबसे ज़रूरी बात ये समझना कि हम दोनों साथ में एक ही प्रोफेशन में काम करते हैं, हम दोनों को इस प्रोफेशन से मोहब्बत है, और मुझे अब जाके मौका मिला है. सो वेर अ टीम, वे नॉट कम्पीटिंग. प्लीज कम इन द सेंटर ना. या माइक से. प्लीज प्लीज. नो, यस. हां मैडम, इट्स ओके. देयर आर नो रिस्पोंड स्पॉट. See it to me in my ear and I'll say in a really ukru angle, and then they'll have to use it. It's always been, whenever I spoke, I've never seen myself talking about it. It's pointless from the world. But yeah, you guys should see that it's an amazing collection. And what was the thought behind the whole collection? What I was really excited about was these two walking, because it was their first time. They're international stars. Yes. And we selected a color which actually is worn for very mature people, white. You know, it's a beautiful color. And yeah, we given both these young people white. I think that was the confidence, and that what I was really excited about. All evening I was just with them, dressing them, making sure that he was, both know, of them were good, and that's about it. It was not about the show, it was about these two guys.
Thank you so very much. Thank you. We want to take a picture on Yes. Come in the center.